लेकिन अपडेट देनी थी शेन के हवाले से, 4 to 6 weeks तक आउट हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होगा। एशिया कप भी है उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी वो रेडी हो। दोस्तों अभी एशिया कप से ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ दोस्तों, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की डिपेंडेबल बॉलर है और वे टीम में नहीं रहेंगे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शाहीन अफरीदी को हम नीदरलैंड्स के टूर में ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा फिजियो होगा, डॉक्टर होगा, तो वहाँ पर कड़ी निगरानी में रहेगा और अगर ठीक हो जाते हैं तो हमारा अगला मैच खेल भी सकते हो। सामने एशिया कप है, एशिया कप में बिग बिग मैचेस है, मतलब उनका टारगेट ही था टीम इंडिया को लेकर, क्योंकि इंडिया का मैच तो जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मैच बहुत हाई वोल्टेज मैच होता है। इनका जो थोड़ा सा फिटनेस का है वो हम इसीलिए उसको लेके जा रहे हैं क्योंकि दोनों डॉक्टर हमारे फिजियो साथ जा रहे हैं, तो लुक आफ्टर ज़्यादा अच्छी होगी और हम देख रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए क्योंकि एशिया कप भी है उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी वो रेडी हो। तो वो मैच जीतने के लिए शाहीन शाह अफरीदी को टीम में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों ये ट्रिप पाकिस्तान के काम नहीं आया क्योंकि डॉक्टर ने ऑफिशियली बता दिया है 4 to 6 हफ्तों का रेस्ट चाहिए, मतलब 1 to 1.5 महीने का रेस्ट में जाना होगा शाहीन शाह अफरीदी को। अपडेट देनी थी शाहीन के हवाले से, 4 to 6 weeks तक आउट हो गया और अनफॉर्चुनेटली वो एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और 1 to 1.5 महीना मतलब लगभग वर्ल्ड कप के पहले शाहीन अफरीदी ठीक हो सकता है और पूरा एशिया कप उन्हें घर में बैठकर मैच देखकर ही गुजारना होगा। और यहाँ पर बहुत सारे मीडिया, मतलब पाकिस्तानी मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर नहीं है, टीम इंडिया तो बहुत खुश हो गए लेकिन हमारे बाकी बॉलर भी कम नहीं है, वह भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा खेलेंगे। हाँ वो तो बात की बात है, एशिया कप की हाई वोल्टेज मैच इंडिया के हाथ में आएगा या पाकिस्तान के हाथ में आएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में एशिया कप में जीतेगा कौन, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके टिके मीठे कमेंट का।